नया साल 2023 का आगाज हो गया है। लोगों ने जश्न के साथ 2023 का वेलकम किया। इस वक्त हम मौजूद हैं गोमती नगर की समिट बिल्डिंग में और आप मेरे ठीक पीछे देख रहे होंगे यहाँ पर ये पुलिसकर्मी यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर पुलिस के आला अधिकारी भी मौजूद हैं और यहाँ क्राउड आप देख रहे होंगे किस तरीके से क्राउड है। यहाँ पर पुलिसकर्मी लगातार माइक से अनाउंस कर रहे हैं कि टाइम हो गया है, आप लोग अपने घरों को जाइए, जश्न कर लिया आपने, 2023 का वेलकम हो गया है, अब आप अपने घरों को जाइए। इसमें बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सैयद अली अब्बासी, DCP। सर, कितने बजे तक परमिशन थी? देखिए, इसमें 90% बार्स ऐसे हैं जिसमें 2 बजे तक की परमिशन है, और भाई कुछ बार्स ऐसे हैं जिसमें आप देख रहे हैं जो क्लोज हो गए हैं उसमें 12 बजे तक की परमिशन थी। जिनमें 12 बजे तक की परमिशन है वो जनरली क्लोज होकर जा रहे हैं, जिनमें 2 बजे तक की परमिशन है उसमें कुछ लोग अंदर हैं, उत्साह के मोड में वो अपना पार्टी कर रहे हैं। समिट बिल्डिंग हमेशा सर सुर्खियों में रहता है, कोई ऐसी अप्रिय घटना कोई सामने आई क्या? नहीं, आज जिस तरह से हम लोग का ड्यूटी डिप्लॉयमेंट था और जिस तरह से यहाँ पे फोर्स लगी हुई है तो अभी तक किसी तरह की कोई अप्रिय घटना नहीं हुई है। हमारा प्रयास ये है कि बेसिकली अभी जो भी बचे हुए लोग हैं वो सुरक्षा से अपने घर पहुँचें और जो भी लोग अंदर पार्टी कर रहे हैं उनसे भी हमारा निवेदन है और अभी हम फिर एक बार अंदर जाकर रिक्वेस्ट भी करेंगे कि वो भी समय से जाके, क्योंकि कोहरे का मौसम है, समय से पहुँच जाएं घर। तो ये थे DCP सैयद अब्बास जी, जिन्होंने बताया कि जो बचे हुए लोग हैं उनको वो सही सलामत अपने घरों को जाएं और जो बार हैं उनकी कुछ 90% बार की परमिशन जो दी गई थी वो 2 बजे तक ली गई थी, लेकिन यहाँ से जो यहाँ समिट बिल्डिंग में तमाम यहाँ पर जो पब हैं, बार हैं, यहाँ से लोगों को लगातार पुलिस देखिए किस तरह से गश्त करके वहाँ से अपील कर रही है कि आपने जश्न मना लिया है, आपने इंजॉय कर लिया है, अब आप अपने घरों को जाएं। तो ये समिट बिल्डिंग गोमती नगर का नज़ारा था। सैयद अली अब्बास ने बताया, DCP हैं, उन्होंने बताया कि जश्न हो गया है, 2023 का आगाज हो गया है, अब अपने अपने घरों को जाइए। कैमरा पर्सन सचिन सैनी के साथ मनोज पांडे, लखनऊ न्यूज़ 24।